नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर विश्व प्रताप सिंह वीपी काउलोवर चैनल पर आप सभी अन्नदाताओं का दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक ऐसी गाय की चर्चा करने वाला हूं जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय है, देसी गाय है। उन देसी गायों में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, उस गाय की मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलता हूँ सीधा वीडियो की तरफ। बताता हूँ आज कि हमारी भारतीय नस्ल की गायों में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी होती है। सबसे पहली बात तो साथियों, जो भी गाय का हम वर्णन करने वाले हैं, बताने वाले हैं, उस गाय का जो दूध होता है A2 होता है, जो कई मायने में हमारे शरीर में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इस गाय का दूध 120 रुपए से लेकर और देहाती क्षेत्र में 80 रुपए से लेकर और 150 रुपए लीटर तक सिटी में बिक जाता है। देहात में यानी कि 80 रुपए लीटर लगभग बिक जाता है और सिटी में देखा जाए तो 80 रुपए से लेकर 150 रुपए लीटर तक बिकता है। इसका जो घी होता है साथियों, वो 3000 से 5000 रुपए किलो तक जाता है। यह गाय सबसे अधिक सीधी नस्ल की गाय होती है। इसका भारी भरकम शरीर होता है, काफ़ी लंबाई चौड़ाई में ऊंची होती है और इसकी मिल्क कैपेसिटी की यदि बात की जाए साथियों, तो 8 लीटर से लेकर 30 लीटर तक इसका पर डे का मिल्क रिकॉर्ड होता है और ये हिंदुस्तान की सबसे अधिक सीधी नस्ल की गाय है। इसके अंदर कोई भी खुरापात नहीं होती। हाँ, सीधी नस्ल की है कब, जब आपको प्योर गिर गाय मिल जाती है। आज मैं गिर गाय की चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल प्योर क्वालिटी की गिर गाय होनी चाहिए साथियों, इसमें किसी तरह का क्रॉस ब्रीड नहीं होना चाहिए। यदि क्रॉस ब्रीड हो जाता है तो वह गाय काफ़ी शैतान टाइप की होती है, दूध निकालने में दिक्कत होती करती है, मारती भी है, बहुत चंचल हो जाती है, जो यानी क्रॉस ब्रीड की हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको क्रॉस ब्रीड की नहीं खरीदनी। यदि आपको आगे गिर गाय पालनी है, हिंदुस्तान की देसी गायों में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय पालनी है, तो प्योर नस्ल की गिर गाय आप अपने घर पर पाल सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है साथियों, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितना भी मौसम ठंडा हो जाए, बरसात हो जाए, ये अपनी बॉडी को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, मौसम के अनुसार परिवर्तित करती है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि साथियों, ये गाय बहुत कम बीमार पड़ती है, ना के बराबर इसके अंदर बीमारियां होती हैं। इसका मिल्क रिकॉर्ड यदि देखा जाए, ये करीब करीब 300 दिन तक लगातार एक लैक्टेशन में दूध देती है। इसमें फैट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरीका से हम लोग बकरा बकरी पालते हैं और उस बकरी या बकरा पर 786 लिखा हुआ होता है तो उसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती है, उसी प्रकार से यदि हम कोई गिर गाय पाले हुए हैं और गिर गाय में उसने कोई भी बछड़ा या बछड़ी ब्राउन कलर का, एकदम भूरे दूधिया कलर का पैदा कर दिया है, तो समझ लीजिए उस किसान भाई की लॉटरी लग गई है। 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक उस बछड़े या बछड़ी की कीमत होती है साथियों। सारी गरीबाई उस किसान की दूर हो जाएगी, ये अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ हमारे प्रयास पर भी डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से सफ़ेद भूरे कलर का बछड़ा या बछड़ी उत्पन्न करें, वो भी गिर नस्ल का। अब इसका गिर नस्ल का बछड़ा या बछड़ी भूरे कलर में कैसे पैदा करें, ये रेयर पीस होता है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में नहीं बताएंगे, इस वीडियो में केवल इस गाय की विशेषताएं। मेरे प्यारे साथियों, जो भी हम मेडिसिन्स आप लोगों को बताते हैं, यदि आप लोगों को किसी भी एरिया में नहीं मिलती हैं तो आप 24 घंटे अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपके घर तक ऑल ओवर इंडिया में हम दवाइयाँ पहुँचाने का वादा करते हैं। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उस कंडीशन में आप 24 घंटे में व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी परेशानी लिख सकते हैं, जिससे मैं आपकी परेशानी का समाधान कर सकूं। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।